हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ भिंडी की सूखी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देख लेते हैं कि भिंडी की सूखी सब्जी मैंने किस तरीके से बनाई है, और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। भिंडी की सूखी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब भिंडी ली है, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, और धोने के बाद इसको अच्छे से सुखा लिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। देखिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, और इसको मैंने इस तरह के पीसेस में काट लिया है। तो आप जैसा भी चाहें वैसे पीसेस में इसको काट सकते हैं। सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। भिंडी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब सरसों तेल ले लिया है। इसकी जगह पे आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, सबसे पहले इसमें हम भिंडी डाल देंगे, और भिंडी डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि भिंडी जो है हमारी 50% तक पक जाए। इसे ढकेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हम चलाते हुए इसको फ्राई करते रहेंगे। भिंडी को लगातार चलाते हुए फ्राई करते रहेंगे, और देखिए हमारी भिंडी हल्की सी फ्राई हो गई है, तो थोड़ा और फ्राई कर लेंगे इसे। और जैसे भिंडी पूरी फ्राई हो जाती है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो देखिए अच्छा कलर आ गया इसमें, तो मैं इसे अब कढ़ाई से निकाल लेती हूँ क्योंकि भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है, और हम इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद सेम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब मैं दोबारा से तेल डाल रही हूँ, और तेल को सबसे पहले हम गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाता है, इसमें मैं 1 चम्मच के करीब जीरा डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच साबुत जीरा डाल दिया है, और जीरे को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। और इसके बाद 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल लिए हैं, और प्याज को लगातार चलाते हुए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। प्याज का कलर हल्का चेंज होने तक भूनेंगे, और जैसे प्याज हमारे हल्के से चेंज हो जाता है कलर, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसको भून लेंगे जब तक कि हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भून ना जाए या फिर इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो 1 मिनट में ये अच्छे से भून जाएगा। यहाँ पर हमारे अदरक लहसुन भून चुके हैं, तो अब इसमें हम सूखे मसाले डाल लेते हैं। तो इसे भी हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। सूखे मसालों में यहाँ पर मैं आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, धनिया का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच के करीब, तो 1 चम्मच धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो मैंने हरी मिर्च का यूज नहीं किया है, आप चाहें तो हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, लाल मिर्च के पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर यूज किया है। और इसे आधा मिनट तक भून लेंगे सूखे मसालों को, इसको भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बस आधा मिनट ही भूनेंगे। सूखे मसाले अच्छे से भून जाने के बाद इसमें मैं आमचूर का पाउडर डालूंगी, तो 1 चम्मच के करीब आमचूर का पाउडर यूज करूंगी मैं, आप चाहें तो कम या ज्यादा इसको अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, जैसा भी आप खट्टा पसंद करते हैं। इसे भी भून लेंगे। आमचूर को हल्का सा भून लेने के बाद इसमें हम बेसन डालेंगे, तो यहाँ पर मैं 5 चम्मच के करीब बेसन का यूज कर रही हूँ, तो 5 चम्मच बेसन डाल देंगे।
बेसन डालने के बाद बेसन को भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे बेसन को भी मसाले के साथ, और जैसे ही बेसन भुन जाता है इसमें हम भिंडी डाल देंगे और भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले की कोटिंग जो है भिंडी के ऊपर हो जाए। यहाँ पर मसाले को मिक्स कर लेंगे भिंडी के साथ, गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक के पकाएंगे 2 मिनट के लिए। दो मिनट के बाद इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सब्जी हमारी है जले नहीं, और फिर से मैं 2 मिनट के लिए इसे ढक रही हूँ ताकि भिंडी जो हमारी पक जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और भिंडी हमारी पक चुकी है, तो इसमें अब हम नमक डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ और देखिए मसाले की कोटिंग भिंडी के ऊपर बहुत अच्छे से हो गई है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है। तो यहाँ पर नमक डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार। और साथ में यहाँ पर गरम मसाला डालूंगी मैं आधा चम्मच के करीब, तो आधा चम्मच गरम मसाला। और सभी चीजों को डालने के बाद 1 मिनट तक बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक और गरम मसाला सब्जी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, 1 मिनट हो चुके हैं और भिंडी बहुत अच्छे से पक गई है। इसमें अब हम गैस बंद कर दिया है मैंने, इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे जिससे कि सब्जी का टेस्ट और भी बढ़िया सा आ जाए। और इसको भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। और ये सब्जी आप लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, चाहे आप पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी चीज के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, भिंडी की सूखी सब्जी हमारी तैयार है। इस सब्जी को आप जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में, धन्यवाद।